पापा हम इस दिए को बुझने नहीं देंगे। आप चिंता मत कीजिए, हम हैं ना यहाँ। आप हार मानिए माँ जानकी का जा साहब, आपने तो अपने भाग्य को तोड़ने का काम किया है, लेकिन फिर भी आपको बचाने के लिए माँ जानकी ने इस घर में एक नहीं बल्कि दो अवतार लिए। दो अवतार, जलाए तो जलाए तो सभी फोटो जलाए तो विश्वा, पर तुम्हारा दिल में जो यादें हैं उनको कैसे मिटाओगे? ये यादें भी का चीज बनाए है भगवान, वो जलती रहती है, भस्म नहीं होती। हम यादें नहीं जला रहे हैं चिट्टी भाभी, हम उस प्यार को जला रहे हैं जो हमने कभी उस औरत से किया था। हमने कहा था उसे, चेतावनी दी थी कि उस काले टीके के साथ मुंह ना करे, लेकिन उस लड़के के लिए उसने हमें श्राप देने की जुर्रत की। हमने कहा था कि जब तक उसका समर्पण हमारे चरणों में है तब तक हमारा प्यार छत्र बन के उसके सर पर रहेगा, लेकिन वो तो समर्पण का अर्थ ही भुला बैठी। घमंड है विश्वा, घमंड, औरत का घमंड और मर्द की कायरता, दो चीजें ही संसार का नाश कर देती है। फिर नाश कर दीजिए उसके संसार को, हमारा नाम, हमारा प्यार, हमारा संबंध सब छीन लीजिए उससे। हमारे प्यार की, हमारे हमारी विवाह की जितनी भी निशानियां हैं सबको इकट्ठा करिए और फिर सबको तबाह कर दीजिए। ठीक है, कर देते हैं। अरे ये क्या नृत्य कर रही हो मंजरी? क्या हुआ जेठी भाभी? अरे मांग में सिंदूर भर रही हो, सिंदूर का रंग तो भोग का रंग होता है, अरे तुम्हारे भाग्य में तो त्याग का श्वेत रंग भरा है। भाई आप कैसी बातें करती हैं जेठी भाभी? लो दही बूंदी, इसे मंदिर में रख दो। अरे नर्मदा काकी, अरे ओ भूरी काकी, अरे मीना ताई, यहाँ आओ तो। जेठी भाभी ये सब क्या है, कौन है ये लोग? अरे देख नहीं रहा तुम्हें कौन है, ये करम करवाने आई, तुम्हें शर्म सिखा रही है और अधर्म मिटा रही है। क्या शुरू हो जाओ, शुरू करो। क्या शुरू करो, क्या कह रही हैं आप जेठी भाभी? अरे ये सब आई है तुम्हें धर्म स्थान ले जाने, तुम्हें पवित्र करने। What this? हमारे घर को विधवा आश्रम बना दिए हैं। अरे ये विधवा आश्रम नहीं है, ये तो तुम्हारी मंजरी के लिए जेल है, कारागार है। हाँ।
एक सफेद साड़ी पहनाए दो। नहीं, हमें मत लेके जाइए, हमें हमारी बच्चियों से दूर मत कीजिए। कली को देखे बिना हमारी सुबह नहीं होती और गोरी की हंसी सुने बिना हमारी शाम नहीं होती। राम जी हमारी मदद कीजिए, हमें आपकी करुणा पे पूरा भरोसा है, आप हमारी तपस्या विफल नहीं होने देंगे। अरे हाँ हाँ, पूरा भरोसा है ना तुमको राम जी पे, विफल नहीं होने देंगे ना, तो जाओ वो बाहर मंदिर में भी बैठे उनके साथ बैठो और ढेरो बतियाओ। अरे काहे को ही इतना चिचियाई रही हो हा? अरे हम तो कह रहे हैं मंजरी तुम विधवा आश्रम जाओ, वहाँ सुरक्षित रहो।